हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर एस पब्लिक स्कूल। आई एम निशा बंसल एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू रिप्रोडक्शन पार्ट 3। इसमें हम आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं वो बताएंगे। तो सबसे पहले आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बता दें, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उस टाइप का रिप्रोडक्शन जिसमें केवल एक ही पेरेंट जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, जिसमें जो होता है गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो होता है मेल और फीमेल दोनों पार्ट नहीं लेते, तो इसलिए इसमें ना तो एग का फॉर्मेशन होता है और ना ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे बडिंग। सबसे पहला है द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच स्मॉल आउटग्रोथ ऑफ द बॉडी नोन एज बड डेवलप इनटू न्यू पेरेंट इंडिविजुअल। इट टेक प्लेस इन हाइड्रा, स्काइपा, सेल्फा एट्सेट्रा। तो उस टाइप का रिप्रोडक्शन जिसमें जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक बॉडी में बड डेवलप हो जाती हैं, ठीक है, और फिर वो जो बड होती है वो धीरे धीरे ग्रो होती जाती हैं, और ग्रो होने के बाद फिर वो अपने पेरेंट्स से जो होती है सेपरेट हो जाती है। सेपरेट होने के बाद वो नए जो होते हैं ऑर्गेनिज्म को डेवलप करती हैं। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर पहले वाले में क्या हो रहा है, एक नया बड डेवलप हो रही है, बड फिर ग्रो हो रही है, फिर ग्रोथ होते होते वो बड़ी हो जाती है, और जब बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो ये अपने पेरेंट्स से क्या है, सेपरेट हो जाएगी। और मतलब जब इसके लिए बहुत ही अच्छी सर्कमस्टेंसेस होती हैं कि ये डेवलप हो सकता है अपने पेरेंट्स से अलग होकर, तभी ये पेरेंट्स से अलग होगा और ये पेरेंट्स से अलग होकर नया जो है वो ऑर्गेनिज्म बनाएगा। ये हमारा हाइड्रा का एग्जाम्पल है। इसी तरह से स्काइपा में भी होता है और इसी तरह से सेल्फा में भी होता है। तो ये होता है बडिंग का प्रोसेस, जिसमें स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप हो जाती है, जिसे हम बड कहते हैं। बड जो होता है वो धीरे धीरे ग्रो होती जाती है, और जब बहुत बड़ी हो जाती है और जब उसको जो होती है उसके बिल्कुल उसके लिए जो उसके बहुत अच्छी परिस्थितियाँ होती हैं, बहुत अच्छी सर्कमस्टेंसेस होती हैं, तब वो डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है, द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन एनिमल डिवाइड इनटू टू और मोर सेपरेट इंडिविजुअल इज नोन एज फ्यूजन, जिसमें एक एनिमल दो या दो से ज़्यादा जो है इंडिविजुअल या डॉटर सन में डिवाइड हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, फ्यूजन स्टार्ट विद द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। फ्यूजन जो होता है वो सबसे पहले उसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और फिर उसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। फ्यूजन जो होता है वो आगे दो पार्ट में डिवाइड होता है, बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन। तो ये देखिए बाइनरी फ्यूजन का डायग्राम है, इसमें एक जो सेल है पेरेंट सेल्स, इसमें क्या होगी, सबसे पहले न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस के चारों ओर जो साइटोप्लाज्म है फिर वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, पहले न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड होगा, फिर साइटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइड होगा, और फिर जब इसके बीच में लेयर्स जैसी बन जाएगी और उस लेयर के थ्रू ये जो होते हैं अलग हो जाते हैं, और इस तरह से एक जो है पेरेंट सेल से दो जो है डॉटर सेल्स बन जाती हैं। क्योंकि एक से दो बन रही है इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। तो बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, व्हेन द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू स्मॉल डॉटर सेल्स। ठीक है, वो बाइनरी वो डिवीजन जिसमें एक जो पेरेंट सेल्स होती है वो दो स्मॉल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। मतलब ये बाइनरी फ्यूजन से हमारी एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स जो होती हैं वो तैयार हो जाती हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। बाइनरी मतलब होता है टू पार्ट्स में डिवाइड होना। ठीक है, इसके बाद है हमारा मल्टीपल फ्यूजन। व्हेन द पेरेंट सेल्स आर डिवाइड इनटू सेवरल स्मॉल डॉटर सेल्स एंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज मल्टीपल फ्यूजन। जब पेरेंट सेल्स जो होती है वो दो या दो से ज़्यादा, दो तो बाइनरी फ्यूजन हो गया, दो से ज़्यादा जब पार्ट में डिवाइड होकर दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स बनाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। तो इसके थ्रू एक पेरेंट सेल से कई जो है डॉटर सेल्स बन जाती हैं। मल्टीपल फ्यूजन में पहले जो होता है न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसमें बार बार डिवीज़न होते हैं, एक से ज़्यादा बार डिवीज़न होते हैं, दो से ज़्यादा बार डिवीज़न होते हैं, जिससे कि ये कई न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है, फिर उसके चारों ओर का साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। डॉटर सेल के चारों ओर जो होती है एक वॉल कवर हो जाती है, जिसे सिस्ट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। अभी हमने देखिए बाइनरी फ्यूजन के बारे में पढ़ा था, जिसमें एक सेल से दो सेल तैयार हो रही थी, यानी कि एक पेरेंट सेल से टू डॉटर सेल तैयार हो रही थी, तो इसे हम बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। लेकिन जब एक पेरेंट सेल से कई सारी डॉटर सेल तैयार हो जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये न्यूक्लियस है, अभी हमने बताया था कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है,
कई पार्ट में, कई जो होता है एक न्यूक्लियस कई न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है और फिर उसके चारों ओर आउट कवरिंग आती है जिसे हम सिस्ट कहते हैं। सिस्ट जो होता है वो जब सर्कमस्टेंसेस अच्छी होती हैं तो ये सिस्ट होता है वो फट जाता है और उसके अंदर की जो डॉटर सेल्स हैं वो बाहर निकल आती हैं और वो नए जो है ऑर्गेनिज्म को डेवलप करती हैं। इस तरह से एक पेरेंट सेल से कई सारी डॉटर सेल्स डेवलप हो जाती हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल फ्यूज़न कहते हैं। एक बार फिर से बता रही हूँ कि मल्टीपल फ्यूज़न क्या होता है, जब एक पेरेंट सेल से कई डॉटर सेल्स डेवलप होती हैं तो उसे हम मल्टीपल फ्यूज़न कहते हैं। इसमें पहले डॉटर सेल्स का पेरेंट सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो कई न्यूक्लियस में डिवाइड होता है, फिर उसके चारों ओर सिस्ट बन जाती हैं और फिर जो होता है अच्छी परिस्थितियाँ अच्छी सर्कमस्टेंसेस जब आती हैं तो ये जो सिस्ट होती है फट जाती है और उसके अंदर का जो डॉटर सेल्स है वो बाहर निकल जाती है और वो बाहर निकल कर जो होती है नए जो है ऑर्गेनिज्म को डेवलप करती है। इस तरह से एक से बहुत सारी डॉटर सेल्स डेवलप हो जाती हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल फ्यूज़न कहते हैं। तो इस तरह से बाइनरी फ्यूज़न में दो डॉटर सेल्स तैयार होती हैं जबकि मल्टीपल फ्यूज़न में बहुत सारे जो है वो डॉटर सेल्स तैयार हो जाती हैं। एक से ज़्यादा जब दो या दो से ज़्यादा जब हमें एक साथ जो होते हैं डॉटर सेल्स चाहिए होते हैं तो मल्टीपल फ्यूज़न का ही प्रोसेस होता है। तो ये होता है हाइड्रा अमीबा सेल्फा इन सब में, सॉरी हाइड्रा में नहीं अमीबा में होता है बाइनरी फ्यूज़न का काम। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के बारे में। टेस्ट ट्यूब बेबीज़ क्या होते हैं, समटाइम्स डॉक्टर कलेक्ट एग्स एंड स्पर्म्स फ्रॉम पेरेंट्स एंड कीप देम टुगेदर फॉर फ्यू आवर्स फॉर IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है। अब वो फर्टिलाइजेशन जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो भी बॉडी के बाहर ही होता है, लेकिन ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से डिफरेंट होता है। इन विट्रो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो नेचुरल प्रोसेस होता है, लेकिन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के बाहर भी होता है और ये जो होता है इसमें ये लेबोरेटरी वगैरह में कराया जाता है। तो कभी कभी जो डॉक्टर्स होते हैं एग और स्पर्म को पेरेंट्स से इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, और उसे फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए कुछ समय के लिए लेबोरेटरी में रख देते हैं। फिर उनमें इन फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो वो जो फर्टिलाइज एग्स है इस प्लेस बैक इन द मदर यूटेरस एंड द बेबी इज बॉर्न लाइक नॉर्मल बेबीज। फिर जो फर्टिलाइज एग होता है उसे वो जो मदर के यूटेरस में रख देते हैं और जैसे नॉर्मल बेबी डेवलप होता है वैसे ही ये बेबी भी मदर के यूटेरस में डेवलप होता है। ठीक है, तो जब डेवलपमेंट जो होता है वो नॉर्मल बेबीज़ की तरह होता है। तो ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी है बेबी को प्रोड्यूस करने की या फर्टिलाइजेशन कराने की उसे हम टेस्ट ट्यूब बेबीज़ कहते हैं। ये प्रोसेस तब होता है जब फीमेल की बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो नहीं हो पाता है किसी कारण से, किसी रीज़न से उसके अंदर जो एग होते हैं वो स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं, तब ये प्रोसेस किया जाता है कि दोनों के ही मतलब फीमेल के एग और मेल के जो स्पर्म है उन दोनों को ही निकाल के और लेबोरेटरी में या केमिकल्स के थ्रू उसमें फर्टिलाइजेशन करा के जब जायगोट तैयार हो जाता है तो उस जायगोट को फिर हम वो क्या करते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं और तब जो उसका डेवलपमेंट होता है वो नॉर्मल बेबी की तरह होता है। तो इस एडवांस टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है वो बेबी प्रोड्यूस करने का एक नया एडवांस तरीका है जिसमें जब फीमेल के अंदर कुछ कमियां होती हैं जिसके कारण बेबी जो होता है वो नहीं हो पाता है तो उसमें हम ये इस तरह का जो है फर्टिलाइजेशन करके बेबी प्रोड्यूस करते हैं। नाउ स्टोरी ऑफ द डॉली द क्लोन। डॉली एक शीप का नाम है जिसका जो है प्रोडक्शन हुआ था क्लोनिंग के थ्रू। अब हम आपको बताते हैं क्लोनिंग क्या होती है। द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ए सेल और ऑर्गन और एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज क्लोनिंग। मतलब कोई एक ऑर्गेनिज्म है उसके जैसा सेम अगर हमें ऑर्गेनिज्म बनाना है तो उसको जो क्या कहते हैं उस प्रोसेस को हम क्लोनिंग कहते हैं। एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द सेल और ऑर्गन, किसी भी सेल की किसी भी ऑर्गन की किसी भी ऑर्गेनिज्म की जब हमें एग्जैक्ट कॉपी बनानी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं क्लोनिंग कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट सक्सेसफुल क्लोनिंग वॉज परफॉर्म बाई साइंटिस्ट लैन विलियम विल्मट
आनिस कोवर्कर्स इन स्कॉटलैंड। तो पहली जो क्लोनिंग की गई थी सक्सेसफुल वो किस साइंटिस्ट के थ्रू गई थी, लॉन विलमट और उनके जो कोवर्कर्स थे स्कॉटलैंड में, उन्होंने पहली क्लोनिंग की थी। इस क्लोनिंग के थ्रू जो होता है शीप की क्लोनिंग हुई थी, और इसके थ्रू जो होता है एग्जैक्ट उसी शीप के जैसे जो है बेबी प्रोड्यूस हुआ था, जिसका नाम क्या रखा गया था, क्लोनिंग। दे क्लोन्ड इट सेम शीप एंड नेम्ड इट क्लोली, उन्होंने इसका नाम क्या रखा, डॉली रखा। ठीक है, तो इस तरह से जो क्लोनिंग का प्रोसेस होता है, क्लोनिंग का प्रोसेस क्या होता है, जब हमें किसी मदर या फादर की या फिर किसी सेल ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट कॉपी बनानी होती है तो हम क्लोनिंग के थ्रू वो प्रोसेस करते हैं। और ये जो प्रोसेस है वो सबसे पहले शीप में किया गया था, और उसके थ्रू जो क्लोनिंग डेवलप हुई थी उसका नाम डॉली रखा गया था। ओके, थैंक यू।